मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पूरी दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था उसका 33% माल अकेले भारत बेचता। चीन नाम का एक देश था जो थोड़ा बहुत हमारा कंपटीशन करता था, लेकिन वो बहुत नीचे। भारत में एक मलमल नाम का एक कपड़ा बनता था, तो तराजू के एक पलड़े में वो कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में उसके भार के बराबर सोना रखा जाता था, तब वो कपड़ा। आज से 300-400 साल पहले तक कपड़ा बिकता था वजन से, अभी कपड़ा बिकता है मीटर से। अब 3000 साल कपड़ा बेच बेच कर हम सोना कमाते रहे, इसलिए सोने का भंडार इस देश में। कोई स्टील बनाना नहीं जानता था दुनिया में, हमने सबसे पहले स्टील बनाया। भारत के सभी महापुरुषों के बनाए हुए किले को देखेंगे तो बहुत पतली ईंट के हैं, जिनकी उम्र 500 से 1000 वर्ष है। दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, कहीं सोने का गिरजाघर नहीं है, इस देश में सोने के मंदिर हैं। देश दुनिया का सबसे अमीर देश था, सबसे श्रीमंत देश था। अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि इस देश के बारे में जब अंग्रेज आए थे पहली बार, जब इस देश में उन्होंने प्रवेश किया, तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सर्वेक्षण कराए थे इस देश के, सर्वे जिसको आप कहते हैं। उनमें पता चलता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था अंग्रेजों के आने के पहले। पूरी दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था उसका 33% माल अकेले भारत बेचता था। पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता था, और पूरी दुनिया में जो कुल आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की होती थी। कोई भी देश भारत के कॉम्पिटिशन में नहीं था उस समय। चीन नाम का एक देश था जो थोड़ा बहुत हमारा कंपटीशन करता था, लेकिन वो बहुत नीचे था। अब दुनिया के बाजार में 33% निर्यात करने वाला देश, दुनिया की कुल आमदनी का 27% अर्जित करने वाला देश, दुनिया के कुल उत्पादन का 43% उत्पादन करने वाला देश तो सोने की चिड़िया ही हो सकता। और इस देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया, 3000 साल भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपना सामान बेचा करते थे। 3000 साल हम नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करते थे। हमारा कपड़ा बिकता था, हमारा लोहा बिकता था, हमारे लोहे के बहुत सारे सामान बिकते थे। 36 तरह की वस्तुएं थी जिनका निर्यात इस देश से होता था। हम जो कपड़ा बनाते थे दुनिया के बाजारों में कैसे बिकता था आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भारत में मलमल नाम का एक कपड़ा बनता था, सूरत में बनता था, मालवा में बनता था, दक्षिण भारत में कोयम्बतूर के आसपास बनता था। वो मलमल का कपड़ा जब दुनिया के बाजार में बिकने के लिए जाता था तो तराजू के एक पलड़े में वो कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में उसके भार के बराबर सोना रखा जाता था, तब वो कपड़ा बिकता था। कारण क्या था? हम अकेले थे जो वो कपड़ा बनाते थे, मोनोपोली थी हमारी पूरी दुनिया में उस कपड़े। तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया और वजन के बराबर। आज से 300-400 साल पहले तक कपड़ा बिकता था वजन से, अभी कपड़ा बिकता है मीटर से, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। 300 साल बिकता था आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, और जितने वजन का कपड़ा उतने वजन का सोना मिलता था। अब 3000 साल कपड़ा बेच बेच कर हम सोना कमाते रहे, इसलिए सोने का भंडार इस देश में बढ़ा। हम लोहा बेचते थे, सारी दुनिया के देश हमसे लोहा खरीदते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे पहले भारत में विकसित हुई 10वीं शताब्दी। कोई स्टील बनाना नहीं जानता था दुनिया में, हमने सबसे पहले स्टील बनाया, और वो स्टील हम बेचते थे दूसरे देशों। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की सारी कंपनियां पानी का जहाज बनाने के लिए स्टील भारत से खरीदते थे, और भारत का स्टील खरीदकर जब वो जहाज बनाया करते थे, एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी व्यक्ति था और एक बहुत बड़ा अंग्रेज, दोनों भारत में आए स्टील देखने के लिए कि भारत में स्टील क्या क्वालिटी का है। तो यहां से कुछ स्टील वो खरीद के ले गए और उनकी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पता चला उससे अच्छा स्टील कोई बनाता नहीं दुनिया। उन्होंने दो बातें कही, उन्होंने कहा भारत के स्टील में सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये रस्ट फ्री है, इसमें जंग नहीं लगता, कितने भी पानी में डाल के रखो, और दूसरी क्वालिटी ये है कि ये क्वालिटी में बहुत ऊंचा है, और तीसरी है कि ये सस्ता बहुत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहां से स्टील खरीदते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने लिखा है कि भारत के स्टील से जो जहाज वो बनाते थे पानी का, वो जहाज कम से कम 65 से 70 साल चलता था, और अंग्रेजी स्टील से जो जहाज बनाया जाता था वो 15 साल में ही टूट जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारियों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम भारत में जहाज खरीदने आते थे, नया जहाज खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो पुराना खरीद के ले जाते थे, जो जहाज भारत में 50 साल चल चुका होता था उसको हम खरीदते थे और उस जहाज को रिपेयरिंग करके और 20-25 साल हम चलाते थे, इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील भारत में बनता। आप जानते हैं कि पानी का जहाज हमेशा पानी में रहता है, इसलिए उसमें जंग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, लेकिन भारत के स्टील के जहाज 60 साल 70 साल 75 साल बिना जंग के काम करते थे, इस क्वालिटी का स्टील बनता था, इस क्वालिटी के जहाज बनते थे और सारी दुनिया में ये बिकते थे। उसके बदले में भी हमें सोना ही मिलता था, हम लोहा बेचते थे और सोना लेके आते थे, कपड़ा बेचते थे सोना लेके आते थे।
ईंटें बनती हैं इस देश में, पतली ईंट बनती है जिससे हमारे किले बनाए गए हैं। भारत के सभी महापुरुषों के बनाए हुए किले को देखेंगे तो बहुत पतली ईंट के हैं, जिनकी उम्र 500 से 1000 वर्ष है। वो किले में कहीं क्रैक नहीं है, क्योंकि ईंट और जो कैल्शियम है, चूना है, उसके उपयोग से बनाए गए हैं। सीमेंट का कोई भी मकान दूसरे तीसरे साल में क्रैक आ जाता है, क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, चूने की क्वालिटी इतनी अच्छी। चूना हम बनाते थे, ईंट बनाते थे, उसे बेचते थे, ऐसी 36 तरह की चीजें हम बना के बेचते थे। सब चीजों के बदले में सोना मिलता था, क्योंकि उस समय एक्सचेंज जो होता था वस्तुओं का वो सोने से ही होता था। इसलिए हजारों साल दुनिया का सोना भारत में आया, और वो सोना इतना आया कि हमने उसको अपने शरीर पर पहना, शरीर पर लादा, घर में सजावट के लिए इस्तेमाल किया, फिर भी बच गया तो हमने दान कर दिया और उसके मंदिर बन गए इस देश में। दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, कहीं सोने का गिरजाघर नहीं है, इस देश में सोने के मंदिर हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो 13,000 से ज्यादा थे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सर्वेक्षण किया तो उन्होंने लिस्ट बनाई है कि 13,780 सोने के मंदिर हैं भारत, और एक एक मंदिर के पास सैकड़ों मीट्रिक टन सोना होता था। अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज है गुरुवायूर का मंदिर केरल में, फिर उसके बाद तमिलनाडु के मंदिर, तंजौर के मंदिर, फिर उसके बाद हमारा तिरुपति बालाजी का मंदिर। ऐसे हिंदुस्तान में 13,000 से ज्यादा मंदिरों में टनों टन सोना लगा हुआ है, और अंग्रेज लिख रहे हैं कि इस सोने को ही लंदन ले जाना पड़े तो 1000 साल लगे। इतना धन संपत्ति इस देश में था। एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया पूरा। उस मैकॉले का एक भाषण का एक वाक्य सुनाता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक भाषण दे रहा है 2 फरवरी 1835 को, और वो बोल रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया। मैंने संपूर्ण भारत देश को देख लिया, लेंथ एंड ब्रेथ माने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब जगह में भारत में घूम लिया। और वो कहता है कि आई हैव स्पेंट 17 ईयर्स कंटिन्यूस इन इंडिया। वो कहता है 17 साल में भारत में रहा, पूरा भारत मैंने घूमा, और घूमने के बाद वो कहता है, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री। वो कहता है सारे भारत को घूमा।